प्यारी सत संगत जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी का सेवक जन मन पर गुरु मिस ये शब्द गुरु तो पवन सेध रह के जीवन में सवार सकीए ये अरदासा जो दुनिया जन्म छापा कुछ करनिया ने धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृतमय बाणी सुखमनी साहब जी की पावन बाणी की विचार व्याख्या करना आप मिल के अपने माड़ा का जतन कर रहे हैं। इस आस ते विश्वास के नाल मैं मुखरखी के प्रतिपात है कोट पराधी दरिया ने गुरु नानक जन सुनिया देखिया सिख ने गुरबास न करिया। गुरु पंचम पातशाह का ही पावन फरमान है। गुरु पंचम पातशाह ही पावन समझा रहे ने कि जिन्हों ने गुरु पातशाह के प्रतख दीदार की जो पावन बाणी में दीदार कर रहे हैं तो सत्संग जी वो फिर गर्भ जोनियों में नहीं आते। ये ताकीद की है विश्वास यकीन दवाया है आप इसलिए आप श्रद्धा भावना के नाल क्योंकि तुर की बाणी आम बाणी नहीं है ये तुरों आई हुई तुर दरगाह तो आई हुई पावन बाणी है ये सारिया चिंतावान को मुक्त करने वाली पावन बाणी। अज आप गुरु कृपा सदके अखीरली अष्टवदी दी विचार करने हैं शुरू उस दे विच जो मुठ तो जो शुरू तो श्लोक है उसकी विचार करनी है। गुरु पातशाह इस अंतिम श्लोक दे विच की फरमान करते हैं। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाता नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाता नाम नानक पूरा पाया पूरे के ओ अकाल पुरख वाहेगुरु पूर्ण है सर्व कला समर्थ है ते बार बार गुरबाणी सानू उसे दे गीत गाण दे लई उसे दी सिफ सलाह करन दे लई उसे दी उस्तत करन दे लई क्योंकि वह पूर्ण है तो पूर्ण की जो उपासना है वह भी तो पूरी होगी वह अधूरी थोड़ी रह सकती है इसलिए उस सच्चे की सिफत करने की सलाह करने की जो है वह सलाह दी गई है उस वाहेगुरु का जो सदीवी सच स्वरूप है जिसनों गुरु नानक पातशाह ने जपजी साहब के मंगलाचरण के रूप में आद सच वाल सच है भी सच नानक उसे भी सच कह के यह समझा दिता है कि वह वाहेगुरु ही है जो युगा के प्रारंभ तो जो उसने युग नहीं सी रचे जो सृष्टि नहीं सी साजी साजी उदो भी सच स्वरूप से वह युगा के प्रारंभ में भी युगा के मध्य में भी अज वर्तमान में भी तो जो ये सारा कुछ समेट लवेगा तद भी वह सच स्वरूप रहेगा। उस सच की आराधना करने के लिए उस वाहेगुरु में बोलने के लिए गुरबाणी सानू प्रेरित करती है। गुरु पातशाह फरमान करते हैं पूरा आराध्या पूरा जाता नाम नानक पूरा पाया पूरे पूरा आराध्या पूरा जाता नाम। पंचम पातशाह कहते हैं मैं ते उस पूरे परमात्मा ही आराध्या है जिसका नाम भी मुकम्मल है पूर्ण है उसके गुण अनंत हैं तो उस परमात्मा की सिर्फ सलाह करके फिर कलयुगी जीवन सेध की दे रहे पंचम पातशाह मैं उस पूर्ण गुरु न उस परमात्मा आराध्या है तुम भी उस पूर्ण परमात्मा आराध्य। गुरबाणी के किधरे भी गुरु साहिबाना ने अपने आप को जल तो उत्ते कुछ नहीं किया यह है हलीमी की हद जो गुरु पातशाह गुरु नानक पातशाह कहते हैं ना मिठत नीवी नानका गुरु चले जाता मिठा बोलना तो निव के चलना यह सारे गुणा का सार है तो सत्संग जी वो परमात्मा जो सारे गुणा का खजाना है उस परमात्मा की सिफ सलाह करो सच्चे की उस पूर्ण परमात्मा की सिफ सलाह करो उसके नाल की होगा पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया पूरे गुण गाओ फिर उस परमात्मा उस पूर्ण परमात्मा पा लिया किवें पाया उस सत्संग जो कि आनंद है अंत है तो उसनों उसका पेट से कोई पा नहीं सकता तो ना ही उसका पेट पाना किसी के जीवन का मनोरथ है। ये सूझवान कहते हैं प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने जो ये सारी संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की टीका की उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की बहुत वड्डी उन्होंने साधना है उन्होंने भी एक दो थान पर क्लीयर किया कि उस परमात्मा का अंत पाना किसी भी रहबरी पुरुष का किसी संत पीर ओलिए अवतार का भी
उस दा कोई मकसद ते उद्देश नहीं है, केवल उस वाहेगुरु नूं जप जप के उसकी आराधना कर करके उसका गुणगान कर करके उसके गुणा नूं आत्मसात करना है। तो उस जिवें जिवें उस वाहेगुरु की गुणगान करांगे उस वाहेगुरु के अनंत गुण जिहड़े ने उह कितने घर विच वसने शुरू हो जाएंगे। जदों उस वाहेगुरु के गुण आके वसते ने उत्थे फिर विकार ठहर नहीं सकते। इसलिए गुरु पातशाह ताकीद करते ने नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ, उस पूरे के गुण गाओ, अधूरियां के गुण ना गाओ। तो जिते दुनिया भर में किन्ने किन्ने साध संत बने बैठे ने अपने आप को रब तो घट नहीं समझते, पर उन्होंने संगत जाके उस सारा संगत सानू माया वाल प्रेरणगे माया ने जोड़नगे उस वाहेगुरु पाया है ते तुसी भी उस पूरन दे गुण गा गा के तुसी उस वाहेगुरु नूं पाना है। पर सारसंग जी गुरबाणी सानूं हर पक्षों सुचेत करती है, एक गल वक्री है। आपां गुरबाणी के अर्थ अपने मनोभावां दे अनुसार बना लैंदे आ ते उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिंदे आ। ते सारसंग जी जदों सानूं जीवन विच कोई भ्रमित करदा है, भ्रमित किस नूं कीता जा सकदा है जिसका विश्वास इक ते नहीं है, उस पूर्ण परमात्मा ते नहीं है जो सर्वतर समर्थ नूं छड के इधर उधर भटकण दी लोड़ तां उसनूं है ना जिसनूं उस ते भरोसा नहीं है। ते सारसंग गुरबाणी दे सानूं एक अकाल पुरख की आराधना लई उसकी प्रार्थना दे लई उसके अगे अरदास दे लई बेनती दे लई उसके गुणगान दे लई बार बार प्रेम दी है। गुरु पातशाह समझाउंदे ने किसे तरह सारसंग जो गुरबाणी दे विच कहे गुण गावां दिन रात नानक जाओगे, मैनूं ते एक चाओ पैदा हो गया मैं दिन रात उस वाहेगुरु दे गुण गांदा रहा। ते किसे विरले पागा वाले नूं ये चाओ पैदा होंदा, बाकी ते चाओ बड़े ने साडे अंदर पर गुण गाउण दे चाओ जिहड़े ने ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚਾਓ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਇਹ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਸਨ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਸਨ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਸਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਜੁਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕੀ ਹੈ? 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨੀ ਮਾਰ ਕੱਟ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਤਮ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਾਰਸੰਗ ਜੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਤਾਂ ਰਵਈਏ ਬਾਂਹ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। 9 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਤਨੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਫੜੋ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਨੇਊ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਨੇਊ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ,
क्यों नहीं पाना कि फिर क्या सी कि जिसनों मेरी माता मेरी बहन नहीं पा सकती तो उसनों मैं किवें धारण करा वृत करा है ना तो सत्संग जो पर नौवे रूप के नौवे जामे के गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं उत्थे क्या सी गुरु पातशाह ने जी इहो जिहा जनेऊ है तां दया कपा संतोख सुध जल खंडी सतबर ये जनेऊ जी काहे तपाले कर ना वो टुटे ना उसनों जल डोब सके ना अग्नि सड़ सके ना मैला होवे ते तुर दरगाह ते मेरे नाल जावे कोई इहो जिहा है ते इहो जिहा मेरे कन्ने च पा दे उहदा मैनूं कोई इतराज नहीं ते सार संग जी उसे दया का उसे धर्म का उसे न्याय का यह जनेऊ कायम रखण दे लई नौवें रूप के नौवे जामे के गुरु तेग बहादुर जी शहादत दे रहे तो सत्संग जी इस आजादी के जश्न मनाने वाले कदे ख्याल करना चाहिए है कि जिहड़ियां बीबियां जिहड़ियां औरतां अपने मांगली संदूर भरदियां ने या मत्थे ते टिक्के लांदियां ने तो कहिंदे वह जे गुरु तेग बहादुर जी ना होंदे ना उन्हां ने शहादत ना दित्ती होंदी तां यह सब कुछ ना सुन्नत होती सब क्योंकि सत्संग जो इस आजादी के पिछे जितनी सिख कौम ने कुर्बानियां दित्तियां ने ना वो होर किसी कौम ने नहीं 2% तो भी घट है इस समय साड़ी आजादी आबादी पर सत्संग जो इसकी कुर्बानियां 90% हुई है पर सत्संग अज विचारण का जो विशा है ना वो ये है कि अज भी असी आजाद हाँ चाहे गुलामी सरकार की होवे चाहे गुलामी विकारा की हो गुलामी गुलामी है ते गुलामी ने हमेशा दुखी रहना है पराधीनता विच कदे भी सुख हो ही नहीं सकता आनंदी ते गल ही साडी पराधीन कदे भी सुखी नहीं हो सकता कहिंदे सोने के पिंजरे विच एक पंछी नूं बंद कर दिओ तां ओह वी तड़ फुटदा है मैनूं खुले आसमान विच उड़न दिओ ते सोने की कटोरियां दे विच रख के सोने के पिंजरे विच कैद करके ते बहुत स्वादले मैनूं पदार्थ भी दे दोगे तां ओह पंछी तड़ फुटदा है मैं खुले आसमान मतलब रब ने मंग दिते ने मैं उड़न दे गुलाम कोई भी नहीं होना चाहता पर सत्संग जी अज का मनुख जिहड़ा है ये विकारां का किड्डा गुलाम होया पिया है ये विशा है विचारण का क्योंकि चाहे सरकारां की गुलामी है चाहे विकारां की है वो दोनों ही बराबर दुखदाई है केवल तो केवल इन्हां विकारां तो असी मुक्त हो जाइए तो अज असी बेशक वैसे आजाद हाँ पर विकारां दे उस तो ज़्यादा गुलाम हाँ वाहेगुरु सारिआं दी रहमतां करे बख्शिशां करे सानूं इह विकारां तों खलासी मिले मुक्ति मिले इसके लिए सानूं पावन बाणी दी दिशा निर्देश लेना पवेगा तद ही इह साडा किरदार जिहड़ा है रूपांतरित होवेगा तद ही इह जीवन जो सफल हो सकेगा उहनां चुका दी कृपा बख्शिओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी Thank you.